guys, so we are back again with a new vlog. आज हम बात करने जा रहे हैं 5 mistakes that international students do while in Australia. So अब हम बात करेंगे mistake number 1. Mistake number 1. Students working on cash. इसका मतलब है students जो cash पे काम करते हैं. ये mistake इसलिए है क्योंकि Australian government do not recognize any experience worked in cash. तो अगर आप tax पे काम करेंगे वो experience count होगा. So a big mistake is not to work on cash for long hours. For example, अगर आप कोई visa apply करते हैं जिसमें आपका work experience count होना है, पर अगर आपने cash पे काम किया है for a longer time, वो experience recognize नहीं होता है. So हमारी recommendation सबको यही होती है, work as much as on tax because it is legal in Australia. So do not do anything illegal here. So कोई भी international student जब यहाँ पे आता है, first step is to apply a TFN number, जो आप ATO government की website पे apply कर सकते हैं या आप कोई tax agent की मदद से apply कर सकते हैं. It's very easy. It's called the TFN number, tax file number. उस number के basis पे आप आपका tax record होता है, आप काम करते हैं, तो वो आपकी proper legit tax recording होती है. Mistake number 2, going to inexperienced migration agent to save money. So for example, अगर एक student एक agent के पास जाता है, so first of all he should be prepared with all the questions. उसे क्या पूछना है, उसे क्या जानकारी चाहिए, उसे कहाँ पहुँचना है. और एक experienced agent का काम ये होता है कि वो उस student को, अपने client को दिशाहीन ना करे, उसे भटकाए ना. Otherwise इन पूरे चक्रों में हज़ारों डॉलर वेस्ट हो जाते हैं. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैं गुजरा हूँ और मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है. सो अगर ये छोटी सी चीज़ अगर किसी को हेल्प करे, सो मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी. सो थर्ड मिस्टेक, नॉट नोइंग योर राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब पे एक्सप्लॉइट होते हैं तो आपको नहीं पता कहाँ जाना है. सो यू हैव टू गो टू फेयर वर्क. देयर आर लॉट ऑफ एम्बोर्समेंट्स जहाँ पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. एजुकेशन डिपार्टमेंट का अलग होता है, जॉब्स का अलग होता है. सो प्लीज़ इंश्योर डू नॉट गेट एक्सप्लॉयटेड. आपको इतने इक्वल राइट्स मिलेंगे जितने यहाँ के सिटीजन्स को मिलते हैं. सो प्लीज़ ना डरें, ना दबें, ज़रूर अपने राइट्स के लिए खड़े होएं. तो चौथी मिस्टेक, assumptions, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कल्पना. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने यार दोस्त की बातों में आके बहुत कुछ चेंजेस करते हैं, बहुत चीज़ें अज्यूम करने लग जाते हैं अबाउट वीज़ाज, अबाउट डिफरेंट थिंग्स. और उन्हीं assumptions की वजह से वो बहुत गलतियां कर लेते हैं लाइफ में. सो आई टेल यू हाउ. हम अपने दोस्तों की बातों में आके, पीयर प्रेशर में आके शहर बदल लेते हैं. हमारे दोस्त बोलते हैं कि यार ये शहर में चले जाओ, आपको इतने पॉइंट मिलेंगे. अरे भैया, अपना होमवर्क कर लो, एजेंट के पास जाओ, उससे सलाह लो, तभी डिसीजन लो. दोस्तों की बातों में आके हम अपनी जॉब्स बदल लेते हैं, हम जॉब छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं हमें किस वीज़ा पे जाना है, हम दूसरे वीज़ा पे चले जाते हैं. सो इतनी कन्फ्यूजन को आप अपनी ज़िंदगी में मत पालो. सही डायरेक्शन में चलो, सीधा चलो. सो डू नॉट अज्यूम. एंड माई फ्रेंड्स, अजम्पशंस इज द मदर ऑफ ऑल. Fifth mistake, students changing the course very frequently is a big no. So हर साल स्टूडेंट्स अपना कोर्स बदलते रहते हैं. उनको ये लगता है कि इस कोर्स में PR है, उस कोर्स में PR है, भटक जाते हैं. ऐसा बिल्कुल मत करिए. ये आपके वीज़ा पे इम्पैक्ट करेगा, आगे की आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा और आप इसकी वजह से भी हज़ारों डॉलर वेस्ट कर देंगे. सो डोंट डू दैट. Guys, do not quote us on this because we are not a migration agent. हमने ये सारे experiences लोगों से सुने, कुछ students से सुने, कुछ खुद के experiences हैं, कुछ सुने सुनाए experiences हैं. तो इसलिए हम आपको ये बोल रहे हैं 5 mistakes that you should not do it. So guys, ये video is not sponsored by any migration agency or migration agent. But as a friend मैं आपको ये बोलूँगा कि कभी भी आपको कोई visa problems हो या कोई भी questions हो, सो एक वैलिड और रेप्यूटेड माइग्रेशन एजेंट के पास जाइए जो आपको आपके वीज़ाज़ में हेल्प करे। सो दैट्स इट गाइस, हम फिर से मिलेंगे एक नए एजुकेशनल ब्लॉग के साथ। सी यू एंड स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। हैव अ ब्लास्ट गाइस।